में आज आपको एक बहुत सुंदर, एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताऊंगा। देखो किसकी स्टोरी है वो, मेरे एक फ्रेंड है संकेत काबरा। 11th 12th में हम दोनों ने साथ में तैयारी करी थी और मैं बहुत सारी जगह इसने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कराया यार। ये IIT बॉम्बे से ग्रेजुएटेड है 2006 से 2010 में, बिल्कुल जो मेरा साथ है ना, मेरा पड़ोसी था यार, मतलब ये है ना। और 11th 12th में भी, 12th में हम साथ में थे, 11th में साथ में नहीं थे। क्यों नहीं थे, कैसे नहीं थे, वो बताऊंगा बाद में। और इसने फिर IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन करी। आप इससे फोन पे बात कर सकते हो, आपके जान पहचान का आदमी निकल जाए तो बात कर लेना। मेरे बैच का है, 2006 से 2010 का। इसकी ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी, देखो यहाँ पर ही ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी इसकी। ये पेज अगर जूम हो जाए ना तो मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। इसकी ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी IIT में, ठीक है ना। और JEE मेन में ऑल इंडिया रैंक 28 आई थी। अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। कोटा के पास में एक शहर है बूंदी नाम से। 1 लाख बच्चे क्या, 1 लाख लोगों की आबादी थी जब ये उस टाइम पर, 1 लाख लोग थे शहर में, छोटा सा शहर। इस भाई ने पूरी क्लास 11th अपने उस गांव में, मैं तो गांव बोलूंगा उसको, ठीक है ना, इसका निकनेम नहीं बता रहा हूँ, इसके गांव के नाम से इसका निकनेम पड़ा था। 11th क्लास में यार ये संकेत जो है एकदम मिसगाइडेड, ये वहां बूंदी में बैठा रहा है ना, कोटा से 35 किलोमीटर दूर है, वहां बैठा रहा। इसको किसी ने कोई गाइड नहीं किया, वहां स्कूल में इसने पूरा टाइम बिता दिया, नॉर्मल तरीके से वहां पढ़ाई करी। 11th की छुट्टियों में इससे किसी ने बोला, यार तू क्या कर रहा है यार, तू अच्छा बच्चा है, तू यार IIT JEE की तैयारी करना है, IIT का एग्जाम होता है, बढ़िया बढ़िया कॉलेज है। इसको किसी ने बताया, ये क्लास 12th में पूरी 11th स्कूल में बिताने के बाद में, सिंपल NCERT पढ़ने के बाद में, ये बंदा क्लास 12th में, तब तो कोटा में, मैं तो कोटा में बड़ा बड़ा हूँ यार, कोटा में कोचिंग ली थी तब तो ऑफलाइन ही चलती थी, तो क्लास 12th में आया। मेरे को ध्यान है, ये क्लास 12th में, मतलब जब क्लास 12th में आने के बाद में अप्रैल में, ये आदमी अप्रैल में, और तब IIT का एग्जाम अप्रैल में होता था, तो उसके पास एग्जैक्टली 1 साल था जब ये पहली बार कदम रखता कोचिंग में, है ना। गांव से आया था बिल्कुल, ये मतलब कोई हिसाब किताब नहीं कुछ नहीं, पर एक जुनून था, मेहनत थी, एंड रिजल्ट आपके पास में। अब हम लोगों की क्या होती थी, क्लासेस शाम को होती थी, तो यार ये पता है क्या करता था, हम लोग जब 12th में थे हमारी क्लासेस शाम को होती थी, तो ये बंदा खतरनाक डेडिकेटेडली हार्ड वर्किंग, ये सुबह 11th पढ़ता था, क्योंकि इसने 11th एकदम बेसिक बोर्ड लेवल की पढ़ी थी, बेसिक बोर्ड लेवल की। इसकी तो अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं थी भाई, मैं सही बता रहा हूँ, इसको तो अंग्रेजी से भी फाइट थी, बेसिक बोर्ड लेवल की शक्ल देख लो इस आदमी की, है ना, देखो कोई प्राइज दे रहा है, बेसिक बोर्ड लेवल की तैयारी करके जो आदमी आया, तो ये सुबह क्या करता था, सुबह 11th पढ़ता था और शाम को, मेरे बैच में था ही, शाम को जो है फिर क्लास 12th के लेक्चर अटेंड करता। अब आप सोच कर देखो, तो इसने एक साल ऐसी लपक के मेहनत करी, सुबह 11th पढ़ता, शाम को 12th पढ़ता, और बीच में जो टाइम मिलता और रात को जो थोड़ा टाइम मिलता वहां पर होमवर्क करता। पहले अटेम्प्ट में 11th और 12th दोनों की तैयारी करते हुए इसने पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 18 वाली एडवांस में, और JEE मेन में ऑल इंडिया रैंक 28 में, है ना। ये एग्जाम्पल है यार, एक साल में जब ये आदमी कर सकता है यार, बेसिक लेवल की 11th पढ़ के आया था तो यार, और 18 रैंक ला सकता है भाई, ऑल इंडिया रैंक 18 बड़ी बात होती है भाई, ऑल इंडिया रैंक 18 बड़ी बात होती है, ठीक है ना यार। इसने जो एक काम करा ना, जो रिक्वायरमेंट जो चीजों की चाहिए होती है यार, आपकी साइड से जो रिक्वायरमेंट है, जी तोड़ मेहनत यार, ये बहुत मेहनती बच्चा था यार, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इनफाइनाइट मेहनती बच्चा था। एक बार हमारे ऑर्गेनिक वाले सर ने एक होमवर्क दिया था हमको, कि यार उन्होंने ना, मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने 35, अभी भी याद है मेरे को, 35 जो है ना वो कंपाउंड्स का एक वो बनाई थी चेन, 35 कंपाउंड थे उसमें, A to B, B to C, C to D, D to E, Z, और उसके बाद में भी 9 और 35, और उन्होंने बोला था यार इसको कल है ना याद करके आना, हम सबको लगा था यार मजाक कर रहे हैं सर, मजे लेने को, इसको याद करा जा सकता है क्या यार ये 35। उन्होंने कहा मैं कॉपी बंद करके पूछूंगा, हम सब ने मजाक में लिया था, इस भाई ने सीरियसली लिया, और अगले दिन ये पूरे 35 के 35 याद करके आया। सर ने बोला भैया याद करा क्या, हमने कहा सर क्या मजाक करते हो, 35 का रिएक्शन याद रहेगा कि इसके बाद ये। इसने बोला, सर ने पूछा किसी को कोई करके आएगा याद, हमने कहा सर मजाक कर रहे हो क्या, इसने बोला सर मैं करके आया हूँ, हम सब पहली बार नजर में आया था तब, ये फर्स्ट टाइम ही नजर में आया था, 4 महीने बाद की बात है, 4 महीने तक तो कोई जानता नहीं था कौन है बच्चा ये, पूरी क्लास के सामने इसने बोला सर मैंने याद करा, सर ने कहा चल बता। इसने भाई ने बताना चालू करा, दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम, एक जगह अटका था, अभी भी याद है वो सीन बिल्कुल, 16 साल हो गया आज उस बात को, लेकिन वो अभी भी दिमाग में सीन छपा हुआ है मेरे को। एक जगह सर ने हेल्प करी थी बस, बाकी 35 के 35 की चेन इसने बता डाली, पूरी क्लास में सर ने तालियां बजाई थी इसकी। भाई उस दिन समझ में आ गया था भाई कोई तो आया है जो है ना, माई का लाल आया है कोई तो, जो काम तो यार पहले तो पॉसिबल बिल्कुल है, पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है ना। अब आप बोल सकते हो सर
ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो सब होते हैं, पर मैंने मेहनत करते हुए देखा है भाई इसको। ये IIT में 4 साल मेरे साथ ही था, हम बगल बगल वाले रूम में ही थे। फिर अब देखो जो जुनूनी आदमी होता है ना, जुनूनी आदमी होता है वो हर जगह फिर दिखाता है कलर अपना। इसके IIT में जाने के बाद भी डिपार्टमेंट रैंक 4 थी, फुल पढ़ाकू था, फुल पढ़ाकू ये। डिपार्टमेंट रैंक 4 थी इसके IIT इलेक्ट्रिकल में जाकर, इसने इलेक्ट्रिकल चूज करी थी, कंप्यूटर साइंस में मजा नहीं आता था इसको, इलेक्ट्रिकल चूज करी थी इसने, है ना। फिर IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया पहली बार में। अब भाई इसकी अंग्रेजी इतनी खराब थी, एक अब IIM में तो इंग्लिश भी आती, तो भाई ये ना बैठ बैठ कर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ना पूरी अंग्रेजी किताबें चाटता रहता है, फुल अंग्रेजी किताबें चाटता रहा। तो पहली बार में जो है IIM अहमदाबाद में इसने सेलेक्शन करा, तो यार इसने करके दिखाया, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल।